हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। यह हम लोग पढ़ रहे हैं सीआईबी का एडवांस बैंक मैनेजमेंट क्वेश्चन बैंक सीरीज नंबर 2 है, ठीक है। और कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास दो तरह के सीआईबी के कोर्सेज हैं। एक का नाम है शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स, जो कि डिजाइन किया गया खास करके अभी के समय के लिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं सीआईबी का एग्जाम सितंबर के लिए, सबसे बेस्ट कोर्स है। आप ये शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स करके 100% आप पास कर जाएंगे, ठीक है। दूसरे साइड में क्या है कि यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स तो मिलेगा, साथ ही साथ इन डेप्थ वीडियोस भी मिलेंगे। जो अगले बार के लिए तैयारी कर रहे हो उनके लिए ये कोर्स ज्यादा अच्छा है, ठीक है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 12,000 सेट के क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स है पीडीएफ में। यहाँ पे जो वैलिडिटी है 6 महीने की रहती है, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग की हो जाती है। पेपर वन अगर आप एबीएम करते हैं दाम 800 रुपए, और यहाँ पे है एबीएम करें चाहे बीएफएम करें चाहे रिटेल बैंकिंग करें, कोई भी करें दाम 800 रुपए, और कोई भी करेंगे दाम 1500 रुपए। एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे दाम 1500 रुपए, यहाँ पे दाम 2700 रुपए। कॉम्बो पैक करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ लेंगे तो इसका दाम यहाँ 2000 रुपए, इसका दाम यहाँ पे 3500 रुपए। और यहाँ पे मेरा फोन नंबर भी दिया हुआ है, चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप मेरा फोन नंबर, चाहे आप वेबसाइट का लिंक लेके डायरेक्टली वहां से भी जाकर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, विच वन इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में कौन सा एक्सेप्शन नहीं है, सब सवाल को बहुत ध्यान से सुनिएगा। विच वन इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में कौन सा एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, वो पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन है इग्नोरेंस, बी ऑप्शन है इन्फेरियर गुड, सी ऑप्शन है नॉर्मल गुड, डी ऑप्शन है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। तो देखिए, एक्सेप्शन का मतलब हो गया कि लॉ ऑफ डिमांड उसको गवर्न नहीं कर रहा है। एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमांड उसको गवर्न नहीं कर रहा है। नेचुरल सी बात है, नॉर्मल गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, तो यहाँ एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है। दूसरा सवाल, डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी इज इलास्टिक व्हेन हैज। डिमांड किसी भी कॉमोडिटी का इलास्टिक मतलब होता है कि बढ़ सकता है घट सकता है, तो किसी भी डिमांड की जो किसी भी कॉमोडिटी का जो डिमांड होता है इलास्टिक होता है कब होता है। पहला ऑप्शन है ओनली वन यूज में, बी ऑप्शन है मेनी यूज में, सी ऑप्शन है यूजेस विच कैन नॉट बी पोस्टपोन, ऐसा यूज है जिसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, डी ऑप्शन यूजेस वेरी इसेंशियल फॉर द कंज्यूमर, ऐसा यूज है जो कि बहुत ही जरूरी है कंज्यूमर के लिए। देखिए, कॉमोडिटी तभी इलास्टिक होगी जब उसको हम कई बार यूज कर सकेंगे, है ना, कई बार यूज कर सकेंगे, चाहे उसका बोल सकते हैं कई जगह यूज हो सकता है, यानी मेनी यूज हो सकता है। इलास्टिक का मतलब क्या है, मेनी टाइम्स आप यूज कर सकते हैं, कई जगह यूज हो सकता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कमोडिटीज इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट। बोलता है इनमें से कौन सा पेयर जो होता है कमोडिटी का, वो एक उदाहरण हो सकता है, एग्जांपल हो सकता है सब्स्टिट्यूट का, आपको ये बताना होगा। तो यानी जैसे आप उसकी जगह कोई दूसरा चीज भी ले सकते, एग्जांपल समझिए, जैसे आप कोई जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, वो एग्जांपल आपको दिया हुआ जैसे कॉफी और मिल्क, तो मिल्क का सब्स्टिट्यूट मिल्क ही है, मिल्क का कुछ दूसरा सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता है। कॉफी में मिल्क की नीड होती है, कॉफी में क्या होता है मिल्क में नीड होता है, दोनों एक ही चीज नहीं है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, दोनों एक ही चीज मोटा मोटी आसपास, ठीक है। बी ऑप्शन मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल हो चाहे कोकोनट ऑयल हो, दोनों से आप बाल में हम लगाते हैं, हेयर ऑयल भी होता है, दोनों को आप खाना में कुकिंग ऑयल के रूप में भी यूज होता है, ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। सी ऑप्शन में डायमंड एंड काउ, कुछ लेना देना नहीं है, डायमंड कुछ और ही चीज होता है, काउ कुछ और है। डी ऑप्शन है पेन एंड इंक, तो पेन और इंक में क्या, इंक जो होता है पेन में लगता है, ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, क्यों, क्योंकि दोनों का यूज एक ही चीज में आता है, चाहे बालों में लगाने में आता है चाहे खाना पकाने में आता है, ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर मोस्ट कस्टमर्स and oranges are substitute goods, therefore we could expect a rise in the price of apples to lead to। बोलता है अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि ज्यादातर कस्टमर्स के लिए एप्पल और ऑरेंज एक तरह का सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अगर किसी तरह का प्राइस एप्पल में बढ़े, क्या है, किसी तरह का अगर हम एक्सपेक्ट करें कि प्राइस जो होता है एप्पल में बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर एप्पल में प्राइस बढ़ गया, तो अगर एप्पल में प्राइस बढ़ जाता है किसी भी कारणवश से, तो उसकी वजह से क्या होगा, ए ऑप्शन है राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व फॉर ऑरेंज, यानी राइटवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व जो है ऑरेंज का, उसकी तरफ झुकाव बढ़ेगा।
बी ऑप्शन लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व्स ऑफ ऑरेंजेस में, ठीक है। सी ऑप्शन है फॉल इन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंजेस की प्राइस में कमी आ जाएगी। डी ऑप्शन है अपवर्ड चेंज इन द डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस, ऊपर की तरफ चेंज होगा, यानी जो डिमांड कर्व है वो ऑरेंज का ऊपर की तरफ चेंज होगा, यानी डिमांड सडनली ऑरेंज की बढ़ जाएगी। समझिए बात, एप्पल ऑरेंज क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। और यहाँ पे बोलता है कि अगर हम दाम एप्पल की बढ़ा देंगे, तो अगर कोई एप्पल के दाम बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा भाई, ऑरेंज खरीदने लग जाएंगे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या, एक ही चीज है, तो ऑरेंज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी अपवर्ड चेंज हो जाएगा डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस, डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, चेंज इन क्लाइमेट कंडीशंस रिजल्टिंग इन हॉट वेदर प्राइस रिमेनिंग द सेम वुड काउज ए कंज्यूमर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। बोलता है कि अगर कोई चेंज आता है क्लाइमेट में, कंडीशंस में, जिसकी वजह से बहुत ही हॉट वेदर हो जाता है, प्राइस भले ही सेम हो, तो इसकी वजह से कंज्यूमर कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करने लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या शिफ्ट होगा और किस तरह का चेंज आएगा, ए ऑप्शन है टू मूव टू ए लोअर कर्व, लोअर कर्व की तरफ मूव करेगा। बी ऑप्शन टू मूव लोअर डाउन द डिमांड कर्व, तो जो मूव होगा लोअर और कम हो जाएगा, डिमांड कर्व से भी कम हो जाएगा। सी ऑप्शन टू मूव टू ए हायर डिमांड कर्व, हायर डिमांड कर्व की तरफ मूव करेगा। डी ऑप्शन है टू मूव अप द सेम डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व में वो मूव करेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हायर डिमांड कर्व मूव करेगा। नेचुरल सी बात है, अगर क्लाइमेट चेंज होता है, अब गर्म, यानी बोल सकते हैं गर्मी का समय आ गया, गर्म समय आ गया, यानी हॉट वेदर हो गया, प्राइस भले ही सेम रखा हो आपने, नेचुरल सी बात है प्राइस सालों भर सेम है, तो नेचुरल सी बात है कोल्ड ड्रिंक का डिमांड बढ़ जाएगा, कि लोग अपने प्यास बुझाना चाहते हैं, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक उनको ज्यादा राहत देगा गर्मियों में, ठीक है। ज्यादा बिकता है गर्मी में कोल्ड ड्रिंक, नेचुरल सी बात है कोल्ड ड्रिंक नाम ही है कोल्ड ड्रिंक, गर्मी में ज्यादा बिकेगा ये। तो हम बोल सकते हैं कि टू मूव टू ए हायर डिमांड कर्व, यानी डिमांड कर्व से हायर मूव होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, बोलता है कि लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स बिकॉज ऑफ, बोलता है लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो ऑपरेट करता है, क्यों ऑपरेट करता है, बिकॉज ऑफ, किस कारण से। ए ऑप्शन है प्राइस चेंजेस, बी ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट इनकम, ठीक है, प्रिंसिपल डिफरेंट इनकम क्यों हो सकते हैं। सी ऑप्शन है चेंजेस इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की चेंजेस की बात कर रहा है। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो होता है ऑपरेट करता है, क्यों, क्यों करता है ऑपरेट, क्योंकि यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्राइस चेंज करते रहता है, इसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। अगर एक ही जैसा लॉ ऑफ, मतलब प्राइस एक ही जैसा रहेगा तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करेगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 7th क्वेश्चन, व्हेन एन इंडिविजुअल्स इनकम फॉल्स व्हाइल एवरीथिंग एल्स रिमेंस द सेम हिज डिमांड फॉर एन इनफीरियर गुड्स। बोलते जहां इंडिविजुअल इनकम गिर जाता है जबकि सारी चीज एज इट इज रहते हैं, ठीक है, तो उनकी डिमांड किसी इनफीरियर गुड्स के लिए क्या होगा। ए ऑप्शन है इंक्रीज कर जाएगा, बी ऑप्शन है रिमेनिंग अनचेंज, यानी अनचेंज रहेगा, सी ऑप्शन है वी कैन नॉट से विदाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हम लोग बता नहीं सकते एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बिना। डी ऑप्शन है डिक्रीज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन है घट जाएगा, आपको इसमें सही ऑप्शन बताना होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर किसी इंडिविजुअल का इनकम गिरता है, यानी इंडिविजुअल इनकम कम होता है, ठीक है, बाकी सब चीज भली सेम रहो, तो देखिए एक चीज आप समझिएगा, इंडिविजुअल इनकम कम हो गया, पैसा ही कम आ रहा है, तो उसका जो डिमांड होगा इनफीरियर गुड्स के लिए भी, इनफीरियर मतलब जो खराब सामान है उसके लिए भी कम हो जाएगा, पैसा ही नहीं है तो, पैसा कम है तो कम खरीदेगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। सही ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, ए फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी हुज डिमांड कर्व इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला काउजेस टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कॉमोडिटी टू। बोलते हैं अगर किसी तरह का कॉमोडिटी का प्राइस में कमी आती है, गिरता है प्राइस, जिसका डिमांड कर्व अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जिसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर जो कॉमोडिटी का होगा वो क्या होगा। ए ऑप्शन है रिमेंस अनचेंज्ड, बी ऑप्शन है इंक्रीजेस, सी ऑप्शन है डिक्रीजेस, डी ऑप्शन है एनी ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, अनचेंज्ड होगा, किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है तो। क्वेश्चन नंबर 9, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी एंड प्राइस, जिसका नाम है सेट्रिस पेरिबस इज, बोलते जो रिलेशनशिप होता है किसी डिमांड का, कॉमोडिटी का और प्राइस का, यानी जो कॉमोडिटी की जो रिलेशनशिप निकाली गई है डिमांड और प्राइस का,
वो यहाँ पे बोला जा रहा है सेरिटिस पेरिबस इज, वो क्या होगा उसका क्या मतलब क्या मीनिंग है यहाँ पे। तो ये एक पॉजिटिव है, ये ऑप्शन है पॉजिटिव, बी ऑप्शन है नेगेटिव, सी ऑप्शन है नन नेगेटिव, डी ऑप्शन है नन पॉजिटिव। जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव, हो जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल ए डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई टू द मार्केट एट ए गिवन प्राइसेस लेड्स टू, बोलता बाकी सारी चीजें समान रहे ठीक है और क्वांटिटी जो सप्लाई की जाती है वो अगर घट जाए तो जिसके बराबर हो जाएगा मार्केट में किसी भी गिवन प्राइसेस पे और उसके वजह से क्या होगा। तो बोला कि अदर थिंग्स, मान लेते अदर थिंग्स जो भी है वो इक्वल है या घट गया, अदर थिंग्स सारी चीजें या तो इक्वल हो या घट जाए क्वांटिटी जो सप्लाई हो रही है मार्केट में किसी भी गिवन प्राइस में तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सवाल है। ए ऑप्शन है हायर प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, बोलता है प्राइस ज्यादा हो जाएगी और जो डिमांड है वो भी घट जाएगी। बी ऑप्शन है हायर प्राइस एंड एन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, बोलता है हायर प्राइस तो रहेगा ही रहेगा और डिमांड भी एक्सपेंशन होगा। सी ऑप्शन है हायर प्राइस एंड एन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, बोलता है प्राइस तो हायर रहेगा और डिमांड भी एक्सपेंड करेगा। डी ऑप्शन है लोअर प्राइस एंड ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, बोलता है लोअर प्राइस होगा और डिमांड भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, सही ऑप्शन हो जाएगा डी, लोअर प्राइस हो जाएगा और डिमांड भी कॉन्ट्रैक्शन आएगा ठीक है, लोअर प्राइस हो जाएगा डिमांड भी में कमी आएगी ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है। ऑप्शन है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, बोलता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और डिमांड के बीच में। बी ऑप्शन है क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, एक क्वालिटेटिव रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और डिमांड के बीच में। सी ऑप्शन रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, रिलेशनशिप दिखाता है डिमांड और सप्लाई के बीच में। डी ऑप्शन है रेट ऑफ चेंज इन प्राइस एंड डिमांड, किस तरह का रेट जो है चेंज हो रहा है प्राइस और डिमांड में वो यहाँ दर्शाता है। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा सी, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ये बता रहा है ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, वी कैन से सर्टेनिटी दैट व्हेन डिमांड फॉर टीवीज इंक्रीज इन द लॉन्ग रन प्राइसेस, बोलता हम इस बोल सकते हैं एक मोटा मोटी पक्के तरीके से कि अगर डिमांड जो है टीवी की बढ़ जाती है एक लंबे समय की अवधि में तो प्राइसेस क्या होगा वो पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है प्राइसेस क्या होगा, ए ऑप्शन है विल गो डाउन, बी ऑप्शन यानी घट जाएगी प्राइसेस, बी ऑप्शन है विल गो अप यानी बढ़ जाएगी, सी ऑप्शन है कैन चेंज प्रोपोर्शनेटली वो प्रोपोर्शनेटली चेंज करेगा, डी ऑप्शन है कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद द नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी एंड डिमांड, हम यहाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं नॉलेज की इलास्टिसिटी या डिमांड की इलास्टिसिटी से। तो भाई क्या होगा इस केस में सही ऑप्शन, इस केस में हो जाएगा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। देखिए फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा बड़ा बोलना मुश्किल है, क्यों मुश्किल है, हो सकता है लोग इनकम बढ़ जाए घट जाए कुछ भी हो सकता है जो नहीं जानते हम लोग ठीक है, या टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो पता चल रहा है। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए टीवी का ही ले लीजिए, पहले बहुत बड़े बड़े टीवी आते थे, अब फ्लैट टीवी आने लगी, एलसीडी आया, फिर बाद में एलईडी टीवी आने लगा, अब उसमें अल्ट्रा टीवी आती, कई तरह की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने लगी। तो आप अगर सेम टीवी उसी मॉडल का लेंगे आज के डेट में बहुत सस्ता हो जाएगा, बट टेक्नोलॉजी वाली लेंगे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट वाली टेक्नोलॉजी वो महंगी रहेगी। तो यही बोलना है कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग सही ऑप्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद द नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी एंड डिमांड, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, इन द नॉर्मल डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड, बोलते जो नॉर्मल डिमांड शेड्यूल होता है जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है, ए ऑप्शन है वो वेरी करेगा डायरेक्टली विद प्राइसेस, बी ऑप्शन है इज इंडिपेंडेंट प्राइस यानी प्राइस से इंडिपेंडेंट को लेना जाना नहीं प्राइस के साथ, सी ऑप्शन है वेरीज इनवर्सली विद प्राइस यानी प्राइस के साथ उल्टा मूवमेंट होता है इसका अपोजिट मूवमेंट होता है, डी ऑप्शन है वेरीज प्रोपोर्शनेटली विद प्राइस यानी जो प्राइस के साथ प्रोपोर्शनेटली वेरी करता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो यहाँ जो नॉर्मल डिमांड शेड्यूल में देखेंगे जो क्वांटिटी डिमांड होता है वो प्राइस के साथ बिल्कुल इनवर्सली वेरी करता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 14, एन एग्जांपल ऑफ डेराइव्ड डिमांड इज डिमांड फॉर, बोलते हैं उदाहरण जो बताया डेराइव्ड डिमांड वो एक डिमांड होता है किस चीज का, ए ऑप्शन है पेन एंड इंक, बी ऑप्शन उल एंड मटन, सी ऑप्शन है पेट्रोल एंड कार, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो डेराइव्ड डिमांड क्या है, डेराइव्ड डिमांड का उदाहरण मांग रहे हैं ये, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, डी हो जाएगा। क्वेश्चन 15, बाय इंक्रीज इन डिमांड वी मीन, डिमांड हम बढ़ा दें तो इसका मतलब क्या होता है, ए ऑप्शन हो गया मूवमेंट अपवर्ड्स ऑन ए डिमांड कर्व यानी अपवर्ड मूवमेंट होने लगे डिमांड कर्व में, बी ऑप्शन है
मूवमेंट डाउनवर्ड्स ऑन डिमांड कर्व, डाउनवर्ड कर्व की मूवमेंट होने लगी, ठीक है, देन डिमांड कर्व की डाउनवर्ड मूवमेंट होने लगी। सी ऑप्शन है शिफ्टिंग अपवर्ड्स ऑफ डिमांड कर्व, यानी डिमांड कर्व का अपवर्ड मूवमेंट शिफ्ट होने लगा। डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, तो कोई भी बात इनमें सही नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, जब इंक्रीज होती है किसी भी डिमांड का, तो इसका मतलब ये होता है कि डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सीआईबी का प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं कि कम समय में हम एग्जाम को क्रैक कर सके, पास कर सके, उसके लिए सबसे बढ़िया कोर्स है शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स करिए, ठीक है। कम समय में आप पढ़ के 24 घंटा 48 घंटा 72 घंटे में पढ़ के पास कर जाइएगा, बहुत बढ़िया कोर्स है, ठीक है। और दूसरी साइड में कोर्स है जिसमें कि आपको शॉर्ट टर्म कोर्स तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इन डेप्थ वीडियोस भी रहता है, जिसको लंबे समय के लिए, मतलब मान लीजिए कि अगले बार के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कोर्स ज़्यादा बेटर है। अ कंपैरिजन करेंगे, दोनों जगह वीडियो कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 12 स्टडी क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ अंतर है कि 6 महीने की वैलिडिटी है, यहाँ अंतर है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहता है। और यहाँ पे तीनों पेपर का अगर प्राइस देखेंगे, कोई भी पेपर करिए दाम है 800 रुपये, यहाँ पे कोई भी पेपर करेंगे दाम है 1500 रुपये, एवीएम प्लस बीएफएम करेंगे दाम है 1500 रुपये, दाम है 2700 रुपये, कॉम्बो पे करेंगे दाम है 2000 रुपये, दाम है 3500 रुपये। और ठीक है, और किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो उसके लिए फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibsavvystudymetal.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। थैंक यू।